Hello students, I am going to teach you about the genetic disorder. Genetic disorders, it is found two types. One is Mendelian disorder and second is chromosomal disorder. इसकी Mendelian disorder में इसके example है hemophilia, sickle cell anemia, these are the disease, color blindness, thalassemia, phenylketonuria. ये ऐसे डिजीज हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं और इनमें क्या होता है क्योंकि जीन्स में अल्टरनेशन हो जाता है या म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण ये डिजीज जो है पाए जाते हैं और फिर ये जनरेशन टू जनरेशन जो है कैरी ऑन होते हैं जिसमें हीमोफीलिया सिकल सेल एनीमिया कलर ब्लाइंडनेस थैलेसीमिया फिनाइलकीटोन्यूरिया है और सेकेंड है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इसमें क्या है कि आप देखेंगे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनके में डिसऑर्डर हो गया कि वो 46 की जगह 43 हैं 42 हैं या एक्स क्रोमोसोमल ऑटो क्रोमोसोम इधर से उधर हो गए तो इनको हम कहते हैं सिंड्रोम ये है डाउन सिंड्रोम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड दिस सिंड्रोम्स आर फॉर्मली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर फॉर्म ने इसको क्लासिफाई किया गया है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर को जो जीन में डिफेक्ट है और पासिंग होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तो उसको हम इंक्लूड करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में और जो क्रोमोसोमल जिसमें संख्या की कमी हो गई आगे पीछे हो गए तो इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर चाहे वो ऑटोसोमल हो चाहे जो है वो सेक्स क्रोमोसोम हो जिसमें कुछ संख्या में या उसके स्ट्रक्चर में तो इसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं अब इसमें देखिए ये जो डिसऑर्डर है मेंडेलियन ये फोनिन जीन और ये या तो अल्टरनेशन हो जाता है जीन्स का या म्यूटेशन म्यूटेशन क्या होता है सडनली चेंज फाउंड इन द जीन्स कॉल्ड द म्यूटेशन अब इसमें क्या होता है इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं देखिए जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर ये हो जाएगा डोमिनेंट डिसऑर्डर में जैसे इसमें बीमारी होती है हंटिंगटन डिजीज ये जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट ये ऐसे क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स हैं उनके जीन्स में यदि दिक्कत होती है तो हम कहते हैं हंटिंगटन डिजीज और फिर है ऑटोसोमल रिसेसिव में इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव में जैसे सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया फिनाइलकीटोन्यूरिया इनके जीन्स में दिक्कत होती है जो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स हैं उनके में फिर उसके बाद है जो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन्स इनके में भी दिक्कत होती है तो पहला तो है यदि डोमिनेंट है तो ये डिफेक्टिव टूथ इना में और दूसरा है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में कलर ब्लाइंडनेस और आता है हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया इसके डिजीज हैं जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं इट मीन्स ये जो जीन्स डिफेक्ट होते हैं वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं फिर जब जीन्स में प्रेजेंट होंगे या क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं ये डिसऑर्डर तो ये जेनेटिकली यानी इनहेरिटेड होते हैं जीन्स और ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होते हैं तो इस तरह से आप देखिए जैसे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कलर ब्लाइंडनेस डिजीज ये एग्जाम्पल हमें दिया है कलर ब्लाइंडनेस का इसमें देखिए जो ओमेन है उसके में ये कलर ब्लाइंडनेस की ये जीन प्रेजेंट है जो ओमेन है उसमें और नॉर्मल मैन में ये कलर ब्लाइंड की जीन्स नहीं प्रेजेंट है इसके एक सेक्स क्रोमोसोम पे यह जीन नहीं प्रेजेंट है लेकिन यदि जो ओमेन है जिसके अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस की जीन है और उसकी शादी नॉर्मल मैन से हो जाती है तब देखिए क्या होता है अब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा गैमेट में एक्स और एक एक्स विदाउट इस जीन के होंगे जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से कलर ब्लाइंड जीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से तो एक ऐसा गैमेट होगा जिसमें कि यह सी नहीं होगा स्मॉल सी एक में आप ये लिखे हैं नॉर्मल मैन का फिर गैमेट बनाएंगे तो ये नॉर्मल ही है एक्स और वाई अब इनके में मैरिड हुआ तो देखिए अब चांसेस क्या होते हैं अब ये क्रॉस करेंगे हम पनेट स्क्वायर द्वारा निकालेंगे देखिए यदि एक्स एक्स नॉर्मल एक्स से फ्यूजन हुआ तो फॉर्मेशन होगा नॉर्मल गर्ल का और नॉर्मल एक्स नॉर्मल वाई
से फ्यूजन हुआ तो बना नॉर्मल बॉय। अब देखिए यदि एक्स जो कंटेनिंग कलर ब्लाइंडनेस जीन इसका यदि हम क्रॉस बना लिए एक्स से इससे तो क्या हो जाएगा, यह कैरियर गर्ल होगी। और यही एक्स सी इससे वाई से कर लिया, जो हम यहाँ लिखे हैं इससे कर दिया, तो ये क्या देख रहे हैं आप, ये एक्स सी जो कि कलर ब्लाइंडनेस को इंडिकेट करता है, तो यह बॉय क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस जीन है वह ओमेन के एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, लेकिन ये कैरियर होती है ओमेन, इसके में यह एक्सप्रेस नहीं होता। लेकिन यही एक्स सी यदि मैन में चला जाता है तो यह जो है क्या हो जाता है, फिर कलर ब्लाइंड हो जाता है। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, देखिए एक नॉर्मल गर्ल होगी क्योंकि यह एक्स है और नॉर्मल एक्स से फ्यूजन हुआ तो नॉर्मल हो गई, और नॉर्मल बॉय हुआ, एक नॉर्मल गर्ल एक नॉर्मल बॉय। लेकिन जिससे इसका फ्यूजन हुआ जो एक्स कंटेनिंग कलर ब्लाइंडनेस जीन से, तो वह कैरियर गर्ल, यदि गर्ल में है तो कैरियर हो जाएगा और यह जो है इसमें कलर ब्लाइंडनेस। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि कलर ब्लाइंड बॉय से शादी हो गई कैरियर गर्ल से, तो आप फ्यूचर सोच सकते हैं कि वो गर्ल हो सकती है एक्स कंटेनिंग सी। तो ऐसे केसेस में कलर ब्लाइंडनेस ओमेन होगी, लेकिन यह सर्वाइव नहीं करती और बहुत रेयरली चांस है, लेकिन यदि होती है तो सर्वाइव नहीं और बहुत कम ऐसा होता है। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि यह यदि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो यह सेक्स से रिलेटेड हो गया कि फीमेल में ये कैरियर होगी, लेकिन मेल में क्या हो जाएगा, ये जो है एक्सप्रेस करेगा। इसी तरह से जो दूसरा एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, पहले ये डिजीज, पहले तो ये जानिए कि कलर ब्लाइंडनेस डिजीज में होता क्या है। कलर ब्लाइंडनेस डिजीज में ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये जो मैन है, वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। मेन जो कलर है रेड और येलो और ग्रीन, इसको जो है ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, और ये जेनेटिकली चलता है। आप लोगों ने देखा होगा जो रेलवे का फॉर्म निकलता है उसमें यही आता है कि जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस हुआ हो वो इस फॉर्म को ना भरे, क्योंकि आप जानते हैं ट्रैफिक में और इन सब में ट्रांसपोर्ट वाले में इन कलर्स का बहुत महत्व है। सो इट इज़ द जेनेटिकली कैरेक्टर, इसलिए वो वहाँ पे पहले से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज है हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है कि यह डिजीज जिसको होता है इसमें ब्लड यदि बहने लगता है तो वो कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है, इसमें विटामिन के की कमी होती है और क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, तो ये हीमोफीलिया डिजीज कहलाती है। प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में सो मेनी टेक्निक्स आ गए हैं, और यदि ऐसा कोई पर्सन है तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। तो हीमोफीलिया का भी इसी तरह से इनहेरिटेंस होता है। मान लीजिए यहाँ हीमोफीलिया का हम डिजीज ये इसको इंडिकेट कर दें, देखिए हीमोफीलिया, और फिर यहाँ पे हीमोफीलिया, ये भी आपका हो गया हीमोफीलिया, ध्यान दीजिए एच से इंडिकेट कर दिए। इसमें भी क्या होगी, ये एक्स क्रोमोसोम पर ही हीमोफीलिया के जीन्स हैं, और नॉर्मल मैन से यदि शादी हुई तो देखिए इसमें भी गैमेट जो बना, एक नॉर्मल एक हीमोफीलिया कंटेनिंग जीन्स, और ये नॉर्मल बना गैमेट मैन से। फिर हम क्रॉस कराते हैं यानी मैरिज कराते हैं, तो क्रॉस कराने पे एक नॉर्मल गर्ल बनेगा एक नॉर्मल बॉय बनेगा, फिर उसके बाद कैरियर गर्ल, इसमें भी जो हीमोफीलिया कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम है, जो हीमोफीलिया कंटेनिंग जीन एक्स क्रोमोसोम है वह कैरियर होगी, लेकिन जो बॉय होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। यानी इसमें क्या देख रहे हैं आप, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में यह भी क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर, कि जिस क्रोमोसोम में यह जीन्स प्रेजेंट है हीमोफीलिया के या कलर ब्लाइंड के, यदि वह बॉय में है मेल में है तब तो वह एक्सप्रेस करता है, और फीमेल में है तो कैरियर है। लेकिन क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल मैन है उसके में नहीं है, लेकिन यदि उसकी शादी
कैरियर से हो जाती है, जो कि कलर ब्लाइंडनेस क्रोमोसोम रखता है या कलर हीमोफिलिया क्रोमोसोम रखता है, तो उनके मीडियम क्रॉस कराते हैं, तब उसके द्वारा जो बॉय होता है, उसका जो सन होता है, वो कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफिलिया हो सकता है। इसको फिर से ध्यान से समझिए आप कि इसमें एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिया के जीन्स को रखते हैं और फिर हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, अलग अलग हो गया, यहाँ एक्स वाई में गैमेट फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये फ्यूजन करेंगे तो एक्स एक्स नॉर्मल गर्ल बना, फिर एक्स वाई नॉर्मल बॉय बना, और फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो एक्स एक्स ये कैरियर गर्ल हो गया और